नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की समकालीन भारत फर्स्ट के नाम से जो बुक्स है, इसके हम लोग अभी तक 2 चैप्टर देख चुके थे। ये है आपका 3रा चैप्टर। तो इसमें बात करेंगे हम लोग अपवाह के बारे में। ठीक है, धैर्य के साथ सुनिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपवाह शब्द एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या फिर समुद्र या फिर महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। इस तरह से आप ले सकते हैं। देखिए, और ये आपकी जल विभाजक रेखा हो गई। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह है दौड़ी अमेजन नदी की। इसकी अमेजन नदी की भारत में अपवाह तंत्र की बात करें हम लोग। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियां को दो मुख्य भागों वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वर्ग? हिमालय की नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी नदियां होती हैं, यानी कि 12 महीना ये प्रवाहित होती हैं। इनमें जल रहता है, इनमें से बर्फबारी पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। यानी कि जो आपकी हिमालयों पर बर्फ जमी रहती है उससे पानी मिलता रहता है, पहले वर्षा से उसके बाद बर्फ से। ठीक है, तो इनमें 12 महीने पानी रहता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गोर्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया यह है। इस तरह से गोर्ज नदी आती है, याद रखिए, गोर्ज करती है, अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्ग, गोकुल झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत से अन्य निक्षेपण आपत्तियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों की पहचान कर सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। देखिए, ये आपका, मान लीजिए यहां से नदी निकल रही है ऊपरी भाग से, पर यहाँ ये मध्य भाग ये इस तरह से आकृति बनाती है, तो इसे विसर्ग कहते हैं। जब कोई नदी इस तरह से अपना रास्ता छोड़ देती है
वहां एक झील आकार की बन जाती है, ठीक है। जब क्या है कि तेज पानी होता है तो उबड़ खाबड़ चलती है नदी, और जब वो पानी स्लो हो जाता है, उसकी गति स्लो हो जाती है, तो वो कई जगह गड्ढे टाइप की नहीं छोड़ देती है, तो उसे कहते हैं गोखुर झील। और यहाँ मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है नदी। आपने सुना होगा सुंदरबन का डेल्टा, और जो आपकी पश्चिमी पश्चिम की तरफ नदियां बहती हैं अरब सागर में, ये आपकी डेल्टा नहीं बनाती हैं, याद रखिए, ये एस्चुरी बनाती हैं। इसमें आपका नर्मदा उतारती है, ठीक है, गंगा आपकी डेल्टा बनाती है। बात करते हैं हिमालय की नदियों के बारे में। सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकरण में मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से, तिब्बत में कहाँ है? चीन में तिब्बत, याद रखना, मानसरोवर झील से निकलती है आपकी सिंधु नदी। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां, जैसे आपकी जास्कर हो गई, नूबरा हो गई, सेओक हो गई, उंजा हो गई, इस नदी में मिलती हैं, यानी कि सिंधु नदी की ये सहायक नदियां हैं, ठीक है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिल गित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। तो यानी कि सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम भी इसी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु डोंगरी की एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमालय तथा पंजाब, हिमाचल, हिमाचल पंजाब तथा शेष भाग आपका पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है, लेकिन सबसे लंबी नदी नहीं है, याद रखना, विश्व में, ठीक है। अब बात करते हैं सिंधु जल समझौता। कई बार आपने सुना होगा कि भारत सिंधु जल समझौते को रद्द कर देगा, सिंधु नदी का पानी रोक देगा, बांध बना देगा। जब आपका उरी पे हमला हुआ था, जम्मू कश्मीर में उरी हमला, तब भी भारत ने इस तरह के शब्द बोले थे। तो आखिर है क्या, ऐसे भी हम लोग देख लेते हैं। सिंधु जल जल समझौता संधि के अनुच्छेदों, जो आपका सिंधु जल समझौता है, ये 1960 में हुआ था। इसके अनुसार भारत इस नदी पर क्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। अब बात करते हैं लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ आपकी इस प्रकार है, यमुना हो गई, घाघरा हो गई, गंडक, कोसी। यमुना जो नदी है आपकी, हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय नेपाल हिमालय से निकलते हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल हो गई, बेतवा हो गई, सोन, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम और इनमें
पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे कहां मिलती हैं। अभी मैप्स में हम लोग देखेंगे तो सबका पता चल जाएगा। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियां के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह नदी दो भागों में बट जाती है, भागीरथी हुगली जो इसकी एक तरीका है दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आपकी मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले क्या कहलाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र को जब विलीन हो जाती है एक में, दोनों एक दूसरे में, तो क्या कहलाती है? मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वो जल वाली यह बेहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर्स भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर यानी कि 2500 किलोमीटर से अधिक है। क्या आप गंगा नदी के अपवाद तंत्र को पहचान सकते हैं? अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों के में कहें तो प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। अब चलिए हम लोग मैप्स को देख लेते हैं थोड़ा। ये आपका पूरा मैप्स। तो जो सिंधु नदी है आपकी ये तिब्बत से निकलती है, ठीक, मानसरोवर झील से। देखिए आपकी जम्मू कश्मीर में जाती है। पहले यहाँ पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अब आपको पता है इसे दो भागों में बांट दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये लद्दाख से प्रवेश करते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान जाती है। देखिए जा रही ना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इसमें आपकी झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ये सभी आपकी पाकिस्तान में मिल जाती हैं। इस तरह से ये जाती हुई आपकी अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। अरब सागर में इसका खत्म हो जाती है मिलकर। अब हम बात करें गंगा नदी की, बात कर रहे थे, तो यह आपकी उत्तराखंड के पास से निकलती है। देखिए इसमें आपकी ये यमुना नदी हो गई, चंबल नदी हो गई, मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल, बैतवा हो गई। चंबल नदी पर आपके राणा प्रताप सागर बांध हो गया, गांधी सागर। सावन नमक झील आपकी राजस्थान में हो गई। ये आपका गोविंद सागर है, ब्यास नदी है, ठीक है। शारदा नदी हो गई, घाघरा नदी हो गई, गंडक नदी हो गई, कोसी नदी हो गई, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियां। सोन नदी हो गई, यही आपका गोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत सागर भी है। और ये आ रही है आपकी, देखिए यहीं से तिब्बत से निकल रही है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसे चाइना में यानी कि तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो नदी, ठीक है। ये आपकी फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश होते हुए यहाँ दिहांग लोहित से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बहते हुए बांग्लादेश में गंगा और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। इस तरह से यहाँ सुंदर डेल्टा बनाती है आपकी, ठीक है। ये आपकी महानदी हो गई, यहाँ आपकी चिल्का झील उड़ीसा के पास हो गई, पैनगंगा नदी, गोदावरी नदी। याद रखिए नर्मदा और जो ताप्ती नदी है ये आपकी एस्चुरी का निर्माण करती हैं और ये आपकी अरब सागर में गिरती है, कम्बाद की खाड़ी, ठीक है। ये आपकी कृष्णा नदी हो गई, तुंगभद्रा नदी हो गई, कृष्ण सागर झील है यहाँ, कावेरी नदी, वेम्बनाथ झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील, नागार्जुन सागर, निजाम सागर, ये आपका अरब सागर हो गया बंगाल का, ठीक है। अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, और ये आपका श्रीलंका,
जहां से फिर राम गए हुए थे। ठीक, चलते जा रहे हम लोग। अब देखते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज की स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर के जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौच के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांपो और बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है, ये याद रखना। पूछ लेता है कई बार प्रीलिम्स में तो आपको बता देना। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के कुल द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम है? प्रत्येक वर्ष क्या है? प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अनेक अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र में नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। मंजुली द्वीप आपने सुना होगा, सुनाएगा नहीं? कौन सा? मजुली द्वीप, एक असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ है। एक इसकी ऊंचाई है 84 मीटर। ठीक, असम में है आपका, 352 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। अब हम लोग चलते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की तरफ। प्रायद्वीपीय नदियों में प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं, ज्वार नद का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह दौड़ियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, हम लोगों ने देखा है, यानी कि पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में मिल जाती हैं। बात करते हैं नर्मदा द्रोणी के बारे में। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट होता है। यह पश्चिम की ओर एक बृहंस घाटी में बहती हुई समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सरलों में यह नदी गहरे गाज से बहती है। जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। कई बार आप लोग देखने गए होंगे आप मुझसे। ठीक, नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं, इनमें से अधिकतर समकोण प्रमुख धारा से मिलती हैं। नर्मदा दौड़ी मध्य प्रदेश
तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की योजना प्रारंभ की गई थी, याद रखें। फिर आपकी आती है तापी दौड़ी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी दौड़ी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां आपकी साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार हैं। उन राज्यों के नाम बताइए जहां ये नदियां बहती हैं। देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये है आपका भारत का मैप्स, यहां से जम्मू कश्मीर से लेकर आप यहां ये आपका तमिलनाडु हो गया इस तरफ, ठीक है। यहां आपका केरल हो गया, ठीक है। ये आपका ऊपर चलेंगे तो आंध्र प्रदेश हो गया यहां, ठीक है। यहां आपका चलेंगे आप कर्नाटक पहुंच जाएंगे, ऊपर यहां गोवा, ठीक है। इस जगह यहां आपका गोवा के बाद आपका महाराष्ट्र ऊपर लग जाता है, यहाँ आपका बीच में तेलंगाना, यहाँ आपका उड़ीसा, ठीक है। जो चिल्का झील है, महानदी है, ये आपकी उड़ीसा में, और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी आपकी महाराष्ट्र के पास है, ठीक है। उसके बाद गोदावरी भी आपकी महाराष्ट्र में है, पैनगंगा आपकी तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में कुछ हिस्सा, ताप्ती नदी देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, नर्मदा नदी है जो आपकी मध्य प्रदेश वो गुजरात में, और ताप्ती नदी है इसका क्या है प्रवाहतंत्र की मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। ये महानदी हो गई, गंगा नदी हो गई, यह आपकी यहाँ है आपका अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत से चीन, चीन से आपकी नदी जो ब्रह्मपुत्र है वो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, इस प्रकार बहती है, ठीक है। एक बार क्या करिए आप लोग की मैप्स को रट लीजिए, हर जो राज्य आपका उसे क्रम से याद रख लीजिए, जिस आपसे पूछा जाता है कहीं खाली मैप्स में भी, तो आप अंदाजा लगा सकें कि ये राज्य यहाँ है, मध्य प्रदेश यहाँ है, महाराष्ट्र यहाँ है, उत्तर प्रदेश यहाँ है। क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, कई बार पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से लगती है, या सबसे ज्यादा किस राज्य की सीमा लगती है राज्यों से, तो इनसे क्या रहता है क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग गोदावरी दौड़ी की। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अववाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी दौड़ी महाराष्ट्र नदी दौड़ी का 50% भाग, फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे आपकी पूर्णा हो गई, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, बैनगंगा, पैनगंगा। इनमें से अंतिम तीन सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी नदी। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये कई बार पूछ लिया गया क्वेश्चंस। गोदावरी को क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा, याद रखना, दक्षिण गंगा, दक्षिण भारत की गंगा नहीं, दक्षिण गंगा, दक्षिण की भारत, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी को, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। महानदी दौड़ी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है, तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में
खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। याद रखिए, नदियों में आप क्या याद रखना है, लंबाई बहुत से बहुत इनकी पूछ लेगा, या फिर ये कहाँ से निकलती हैं, कहाँ गिरती हैं, और फिर इसमें सहायक नदियां पूछ सकता है, ठीक है, और किन किन राज्यों में बहती है। इतने ही इसमें पॉइंट आपको याद रखने लायक होते हैं। अब चलते हैं हम लोग कावेरी नदी की। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। इसे भारत की दक्षिण भारत की नदी कहते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान करती है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी, बेतनी, स्वर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनकी स्थिति हम लोग देख ही चुके हैं। पृथ्वी के धरातल पल का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में। यानी कि यहाँ कहने का मतलब एक है आपका सीधा सा, कि हमारी पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका हुआ है। आपने सुना होगा 29% केवल आपका जो पहाड़ है, मैदान है, इस तरह के, ठीक है, और 97% भाग पर जल है। लेकिन सॉरी 71% भाग पर जल है, लेकिन 71% जल में से 71% जल को भी आप लोग 100% मान लीजिए, तो 100% में से 97% आपका लवणीय जल है, यानी कि पीने योग, उपयोग योग जल नहीं है। इसमें से केवल 3% ही जल स्वच्छ रूप में उपलब्ध है और जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं झीलों के बारे में बात करते हैं। कश्मीर घाटी तथा पिछले डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे, वहां के नौकायन, तैराकी, अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटक स्थलों पर झील नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान की झीलों का क्या महत्व होता है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलें महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है, उसे झील कहते हैं। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे आपके कैस्पियन हो गई, मृत हो गई, या फिर अरल सागर। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं, कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की दौड़ी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विस्तृत नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर गोकुल झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार रोजिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है, जैसे आपकी चिल्का झील हो गई, पुलिकट झील हो गई, कोलेरू झील हो गई। अंतरदेशीय भागों अंतर
आपकी लोकताल झीलें यानी कि लोकटल। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सामर झील जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं, ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में कहें हम लोग तो ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानियां मार्ग बन गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की बूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे आपका गोविंद सागर, भाखड़ा नकल परियोजना। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती हैं तथा सूखे मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान बनाती हैं, जलीय पारिस्थितिकी को संतुलित रखती हैं। झीलों को प्राकृतिक सुंदरता या सुंदरता व पर्यटन को बढ़ावा देती हैं, हमें मनोरंजन भी प्रदान करती हैं झीलें। अब बात करते हैं हम लोग नदियों का अर्थव्यवस्था पर में महत्व। नदियों का अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी में क्या महत्व है? संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट से प्राचीन काल से आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। गाँव बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की सूची तैयार कर सकते हैं जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। अब ये इलाहाबाद आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, पटना हो गया, कानपुर हो गया, बनारस हो गया, ठीक है। इस तरह से आप अपने क्या किया करिएगा कि जो प्रमुख शहर हैं उनके नाम रख लिया करिएगा, याद रख लिया करिएगा, क्योंकि पूछ लेता है कि इलाहाबाद किस नदी पर के किनारे बसा हुआ है, गंगा, कानपुर, इस तरह की शहर पूछ लेता है। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहां सिंचाई, नौ संचालन और जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्वपूर्ण अधिक है। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के बारे में ही जान लेते हैं। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी जल नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करने के गुणवत्ता में सुधार करना। अब बात करते हैं नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है, इसका आयतन घटता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए उद्योगीकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की हैं। क्या आपने कभी ऐसा कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषण जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय के विचार विषय पर विचार करें। अपनी कक्षा में एक बात विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल करते हुए नहीं बैठना, लेकिन आपने देखा होगा कि 2014 के पहले गंगा नदी के प्रदूषण की सुनते थे
कि बहुत बड़े स्तर पर हुए, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, यानी कि एनडीए गवर्नमेंट आई, तो उसने गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे इस तरह के प्रोजेक्ट चलाए। उसके बाद आपने देखा होगा कानपुर से बड़े बड़े उद्योग, चमड़ा उद्योग हटवाए गए, और सुनते हैं कि वो आगरा में स्थापित करवाए गए। तो इस तरह से आपके प्रोजेक्ट नमामि गंगे हो गया। इसी ये आपके क्वेश्चन है इसी अध्याय से संबंधित, ठीक है, यानी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और जो आपकी पीडीएफ थी वो आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, इसमें कुछ भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो आप समझ ना सकें, क्योंकि आपको बेस बनाना है, अपना मजबूत करना है। इसीलिए आपकी को सलाह दी जाती है कि आप अच्छे से इसे लगाते रहें, पढ़ते रहें। तो ये था आपका तीसरा चैप्टर। चौथे चैप्टर में हम बात करेंगे अगले चैप्टर में, यानी कि जलवायु के बारे में, ठीक है।